हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। भाई आप लोग सारे ही बैठ जाओ, तो एक बार सब बैठ जाओ, तुम सारे तुम भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, अच्छे बैठ जाओ। कोई बात नहीं, रहने दो। हमारे नारनौल से विधायक भाई ओम प्रकाश जी, पटौदी से विधायिका बहन बिमला जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमान योगेंद्र पालीवाल जी, लोकसभा के अंदर 3 महीने अपना घर छोड़ करके गुड़गांव लोकसभा के भूतपूर्व विस्तारक श्रीमान दिनेश सिंह जी, नाहड़ के मौजूदा सरपंच प्रदीप जी, भाई लक्ष्मण सिंह जी जो हमारे ऑब्जर्वर थे गुड़गांव लोकसभा के, और जिन्होंने इस रैली के लिए और इन साथियों के साथ बड़ी मशक्कत करी है, जैसे रमेश बिशोवा जी, मुकेश जाहिदपुर, भाई सुनील राव, भाई सुनील यादव मूसेपुर, भाई सत्येंद्र सिंह, भाई अनिल डहीना, एक सरपंच नहाड़, रोशन लाल, मास्टर राम अवतार जी, लायक राम जी एक सरपंच, हमारे सेक्रेटरी साहब मनीष जी मित्तल, हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक टाइम यहां से कैंडिडेट, बल्कि जाटूसाना से कैंडिडेट रह चुके, जब कोई भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेने को भी तैयार नहीं हुआ करता था, तो उस टाइम के ऊपर अनिल राव जी हमारे बीच के अंदर बैठे हुए हैं, मेयर मधु आजाद, भाई अनिल पालावास, सभी तीनों ब्लॉक समिति के चेयरमैन साहिबान, सभी जिला परिषद गण, नया गांव के सतीश यादव, सम्मानित मंच, दूर दराज से आई हुई इलाके की सरदारी, नाहड़ की सम्मानित माताओं बहनों बुजुर्गों नौजवानों और दोस्तों, क्षमा चाहते हैं कि देरी की वजह से आप लोगों को इतनी गर्मी के अंदर इंतजार करना पड़ा, लेकिन आने के उपरांत मैंने जो देखा है कि जोश गर्मी की वजह से बढ़ा है, कुछ घटा नहीं है, और जिस तादाद के अंदर आप सब लोग यहां पर उपस्थित रहे हैं, आपके धैर्य का मैं तो दबके धैर्य को मैं दाद देता हूं। और अभी मेरी बेटी आरती बोल रही थी, मुझे सौभाग्य है कि मैं हरियाणा के सीनियर लीडर्स के अंदर गिना जाता हूं, और शायद हरियाणा के अंदर 5 बार एमपी कोई भी नहीं रहा, और क्योंकि मैं अपने आप को सीनियर लीडर मानता हूं, आज के दिन मेरी उम्र 60 से ऊपर हो गई है, मैं इस इलाके का इतिहास जो बुजुर्ग हैं उनके लिए तो दोहराना चाहता हूं, और जो नौजवान हैं उनको नए तौर के ऊपर बताना चाहता हूं कि हमारे इस इलाके के साथ किस तौर के ऊपर पिछले 50-52 वर्ष के अंदर बीती है, जब से हरियाणा पंजाब से अलग हुआ है। हमारे साथ जो बुजुर्ग बैठे हैं वो याद करें कि जब हरियाणा 66 के अंदर अलग हुआ था पंजाब से, तो कुल मिलाकर के हरियाणा के अंदर 81 विधानसभा की सीटें हुआ करती थी, और उन 81 सीटों के अंदर एक सीट का नाम सालावास भी था। आज सालावास हट गया, नहाड़ हमारे साथ कोसली के अंदर जोड़ दिया गया और सालावास खत्म कर दिया गया। यह परिसीमन आयोग की मार और कहीं नहीं पड़ी, परिसीमन आयोग की मार सबसे ज्यादा दक्षिणी हरियाणा के ऊपर पड़ी है।
और अगर इससे थोड़े पुराने पन्ने लौट करके इतिहास की आप देखोगे तो आपको याद होगा कि कनीना नाम का हलका हुआ करता था, 81 सीट हुआ करती थी, कनीना उनमें से एक हुआ करता था। और 25 या 30 बरस पहले जब परिसन आयोग बैठा था तो कनीने का भी हलका तोड़ करके और जाटूसाना में मिला दिया गया, महेंद्रगढ़ के अंदर मिला दिया गया और अटेली के अंदर मिला दिया। आज मैं इसलिए यूं कहना चाहता हूं कि हरियाणा की जितनी भी सरकारें आज से पहले बनी हैं उनकी निगाह के अंदर एक चीज थी कि कहीं ये दक्षिणी हरियाणा के लोग संगठित ना हों। और उनकी उम्मीद के अनुसार जब हम नहीं खड़े उतरे तो हमारे को विभाजित करने का प्रयास किया गया, कनीना हलका तोड़ दिया गया, कुल मिलाकर के 90 हलके बने, हर एक जिले के अंदर हरियाणा के अंदर एक एक हलका पड़ा था। लेकिन एक ही दुर्भाग्यपूर्ण हलका ऐसा था या जिला ऐसा था जहां एक हलका घटा दिया गया, कनीना को तोड़ दिया गया। और अभी 2009 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना केंद्र के अंदर थी ना प्रदेश के अंदर थी, उस टाइम के ऊपर ही परिसमन आयोग बैठा और परिसमन आयोग ने सालावास का हलका खत्म करके और आज के दिन कोसली हलका बना दिया, जो आज से कई दिनों पहले तो जाटूसाना के नाम से बाजा करता। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर हमारी स्टेज के ऊपर बैठे हुए ये सारे साहिबान मेरे पे आकर के यूं कहे कि आप बेशक हमारे एमपी नहीं हैं, आप बेशक हमारे एमएलए भी आज के दिन नहीं हैं, लेकिन जो जाटूसाना का पूर्व वाला क्षेत्र था जिससे मैं 4 बार विधायक रह चुका हूं, वो तो मेरे विचारों से अवगत हैं, लेकिन जो नहाड़ का एरिया जो सालावास से टूट करके हमारे पास आया है इस कोसली हलके के अंदर, वो लोग शायद मेरे विचारों से सहमत ना हो, वो लोग शायद मेरे विचारों के बाबत जानकारी ना रखें। और इसलिए मैंने आपके सामने ये कहने का प्रयास किया है कि अगर हम संगठित नहीं रहते तो जो 40-50 साल के अंदर हमारे साथ होता आया है वो आने वाले समय के अंदर भी हमारे साथ होता रहेगा। बड़ी मुश्किल से 30 साल का इतिहास तोड़ते हुए 2014 के अंदर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार मेजॉरिटी के अंदर देश के अंदर आई थी और उसका क्या परिणाम हुआ कि जो हरियाणा का इलेक्शन हुआ 3 महीने बाद 4 महीने बाद पहली मर्तबा हरियाणा के अंदर भी फुल मेजॉरिटी के तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन हुई। ये आप